नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। प्रदेश में नगर निगम के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति बना ली है और तैयारी जो है चुनाव को लेकर पूरी कर ली गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने शिमला नगर के सभी वार्डों में जनसंपर्क किया है और इस दौरान जनता में भाजपा के लिए अद्भुत जोश देखने को मिला, यह हमारी अपेक्षा के ऊपर है। जनता की बात सुनी तो हमने ये जाना कि जनता का मूड भाजपा के पक्ष में है और केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार पर जो है भाजपा ने जमकर तंज कसा है और कांग्रेस की सुक्खू सरकार को अपने निशाने पर लिया, सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि हर जो सीमा थी उसको कांग्रेस ने लांघ दिया सत्ता में आने के लिए। चुनाव में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने हर सीमा को लांघ दिया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि शहर और प्रदेश में निराशा का माहौल है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इन नगर निगम चुनावों में झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए सारी सीमाएं कांग्रेस ने लांघ दी और इस बार नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम नगर निगम में 25 साल के कांग्रेस के और 5 साल के भाजपा का रिकॉर्ड देखें तो 5 साल का भाजपा का रिकॉर्ड 25 साल की कांग्रेस के रिकॉर्ड पर भारी पड़ेगा।